हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ लहसुनी भिंडी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनती है और एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन करके तैयार होने वाली है। तो आइए बिना देरी के झटपट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पोंछ लिया है, ये देख सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो इसका ऊपर का पार्ट होता है और नीचे का पार्ट, इसे हम कट करके साइड कर देते हैं। अब भिंडी को यहाँ मैं लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से कट करने से भिंडी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सारी भिंडी को यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब इसके अलावा यहाँ मैंने थोड़े से प्याज के पेटल्स लिए हैं, ये देख सकते हैं। प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया और इसके पेटल्स को खोल लिया है। अब प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम सबसे पहले इसमें कटी हुई भिंडी को ऐड करेंगे। अब भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमें लगभग भिंडी को 50% कुक कर लेना है। तो जब भिंडी के ऊपर हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, तब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी भिंडी एकदम परफेक्टली फ्राई हो चुकी है। तो इसे तेल से हम निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ तेल था उसी में मैं प्याज के पेटल्स को भी हल्का सा फ्राई कर लूंगी। तो इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए हल्का सा बस सॉटे करेंगे, ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे, नहीं तो प्याज के जो पेटल्स हैं वो मुरझा जाएंगे। तो इन्हें भी फ्राई करने के बाद भिंडी के साथ ही मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए। अब वापस से कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी आप कम भी कर सकती हैं। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। भिंडी में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की है। इसे हम तेल में हल्का सा सॉटे कर लेते हैं ताकि तेल में इनका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। लहसुन की मात्रा यहाँ मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि हम लहसुनी भिंडी बना रहे हैं। अदरक लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 मीडियम साइज का प्याज। तो प्याज को यहाँ मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो ये देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। तो यहाँ टमाटर को मैंने बारीक कट किया था, आप चाहें तो इसकी प्योरे बना के भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं ताकि जो भी इनकी स्मेल है, रॉ स्मेल, वो चली जाए। तो मसाले यहाँ परफेक्टली भून चुके हैं। अब इसमें हम फ्राई की हुई भिंडी और प्याज को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इन्हें भी हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ऐड की है। तीखे की क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे लिड, और लिड लगाकर लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के करीब कुक करेंगे। भिंडी हमारी पहले से कुक हुई है, बस थोड़ा सा हमें इसे पकाना है। और तो ये देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी एकदम परफेक्टली तैयार है। बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी लगती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई जरूर करें, सबको बहुत पसंद आएगी। और आखिर में हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, झटपट से हमारी बन करके तैयार है लहसुनी भिंडी। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म भिंडी को हम अब सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम ऐसी एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।